वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज 3 बोलेरो गाड़ी का इनॉग्रेशन किया। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये 3 नए बोलेरो गाड़ी वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए हैं। इससे पहले काफी वक्फ प्रॉपर्टीज इनकरेज हो गए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वक्फ बोर्ड की तरफ से बोर्ड मेंबर्स, वक्फ बोर्ड और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो है, हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए केसीआर साहब की सपोर्ट से, वक्फ बोर्ड की पूरी सपोर्ट से जो है, हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कैसा करना बोल के जो है, और 3 गाड़ी हम लोग बोलेरो नए ब्रांड न्यू जो है शोरूम से लिए, इसलिए कि टास्क फोर्स टीम बनाने के लिए, क्योंकि इंक्रोचमेंट जहाँ देखो हो रहा तो 2-3 गाड़ी से हो रहा नहीं था, तो इसलिए हम लोग जो है और 3 गाड़ी जो है लिए, तो टोटल हमारे पास 7 गाड़ी हो गए अल्लाह के करम से, तो जिसमें 1 सीओ की है, 6 गाड़ी सब टीमों के लिए, इंस्पेक्टरों के लिए, कहीं भी कुछ इंक्रोचमेंट हो रहा तो जो है इमीडिएट एक्शन लेने के लिए, ग्रेवयार्ड्स पे हो या मस्जिद लैंड हो या दरगाह लैंड हो, तो उसके लिए जो है अल्लाह के करम से हम लोग और 3 गाड़ी लेके जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम लोग नए स्टैंडिंग काउंसल्स को भी लिए, लीगल ऑफिसरों को भी अपॉइंट करें थोड़े दिन पहले, क्योंकि वक्फ को कैसा मजबूत करना बोल के हम लोग जो है ये बोर्ड में एक डिसीजन लेके हम लोग ये काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट से हम लोग जो है, केसीआर साहब, केटीआर साहब की सपोर्ट से हम लोग, हमारे वक्फ प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ है, अब परसों भी सालार अलिया का केस हम लोग जीते, हफीज पेट का, गुटला बेगम पेट का भी हम लोग जीते, क्योंकि सटासाइड कर दिया था उन्हें वक्फ प्रॉपर्टी की प्रोसीडिंग को, तो उसको हम लोग जीते, फिर उसको स्टेटस को आगा के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते बोल के, तो जिसको चाहे जो भी लैंड ग्रैबर है वो लोग अपना काम कर रहे थे वहाँ, तो वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती हो। अब फिलोखत टेम्परवरी खुश हो जाते लोग कि हम डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन करा के वो करके ये करके, मगर हाईकोर्ट भी एक आर्डर दिया हमारे को कि वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को पावर दिया के कैंसिलेशन करा सकते रजिस्ट्रेशन बोल के, तो हम लोग ऐसे 100 रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कराए हम लोग, तो आने वाले टाइम में और भी हम लोग जो जो वक्फ प्रॉपर्टी हमारी इंक्रोचमेंट हुई उसको इंशाल्लाह ताला उसको छोड़ेंगे नहीं, आने वाले टाइम में हम लोग पूरी तरीके से हमारी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट बराबर करेंगे। जो ग्रेवयार्ड्स पे भी जो है ना बहुत सारे जगह कोई डब्बे डाल ले रहे, कोई ये कर रहे, मगर सबको सोचना चाहिए कि अल्लाह से डरो भाई, हमारे से नहीं अल्लाह से डर के जो है ना, क्योंकि खबर के पास ठहरने का ये नहीं है, तो वहाँ पर संसार कर रहे लोग, तो हम लोग जितने केसेस बुक करना है कर रहे हैं, हम लोग ग्रेवयार्ड्स पे हो या जहाँ जहाँ पर भी है, कोई कमेटी वाले भी गलत करे तो हम लोग केस बुक करा रहे, सस्पेंड भी कर रहे, और उसके बाद भी जो है ना बहुत सी चीज़ें ऐसे हो रही कि बॉकपोर्ट की बातों को नॉलेज में नहीं रहता, जैसा हमको मालूम होते हैं हम लोग उस पर एक्शन लेके इमीडिएट जो है ना उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और इमीडिएट हमारा कब्जा कैसा लेना है पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, और नए स्टैंडिंग काउंसिल को भी अपॉइंट करें हम लोग, समझे, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ना हम परसों जो जीते हफीज पेट का सालार अलिया का पुल्ला जो है ना स्टेटस को लेके बैठे हाईकोर्ट से हो रहा नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट में डाल के वहाँ से ऑर्डर लिए हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी बोल के, वो लोग भी हमारे को ऑर्डर दिए, और अल्लाह के करम से जो है ना जहाँ जहाँ भी है वो भी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, 50 एकड़ पे तो कोई बाउंड्री मार दिए थे, तो वो सब बर्खास्त, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी है तो हम लोग कैंसिल करेंगे उसको कैसा भी, जो जो भी अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे मामड़पल्ली हो या और भी जहाँ जहाँ पर भी है, और आप लोगों से भी गुजारिश है मीडिया के भाइयों से, आप लोग भी कहीं इंफॉर्मेशन है तो बराबर दो वक्फ बोर्ड को, बराबर वक्फ बोर्ड एक्शन लेगा, और जहाँ जहाँ पर भी प्रॉपर्टी हम लोग पुलिस में, पुलिस की सपोर्ट, MRO की, कलेक्टर की सपोर्ट लेके हम लोग हमारी प्रॉपर्टी को कैसा प्रोटेक्ट करना कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट की सपोर्ट से। भाई घोड़े की खबर के पास का जो उसका क्या एक्शन लिया, वो पुरानी खबर है घोड़े की नहीं, उसकी प्रॉपर्टी की बात चल रही है, उसकी प्रॉपर्टी पे भी जो लोग कब्जे करे हुए हैं उसके ऊपर भी केसेस बुक करे हम लोग, और भी जो है ना अभी परसों डिस्कस हुआ, अभी CO नहीं है, CO आने के बाद में, CO लीव पे है आज, CO आने के बाद इंशाल्लाह 2 दिन छुट्टी है, छुट्टी के बाद वो क्या है केसेस निकाल के हम लोग क्रिमिनल केसेस बुक कराएंगे उस पर, जो भी गैर कानूनी काम हो रहा है उसको छोड़ेंगे नहीं।
दारुसलाम के सामने खबरस्तान की जमीन है, पूरे गोदाम डाल के बैठे हुए जहाँ जहाँ पर भी है। तो अभी तक तो कोई एक्शन नहीं, अभी बोला ना मैं आपको, आप लोग भी इंफॉर्मेशन दो, बराबर उस पर एक्शन लेंगे। सब आप एक मीडिया के सामने वादा कर, वो जूम का ट्विंच है, और जब आप कब्जे हटाने की बात कर रहे हैं तो आपके पास वक्फ बोर्ड के अंदर जो दरगाह मसाजिद जो है उसके अंदर से इंक्रोचमेंट्स कितने हटाए हुए हैं? बहुत से हटाए हम लोग, अब गिन के बोलना पड़ता है। लिस्ट नहीं है मेरे पास। बारगाह यूसुफ में देखा गया तो जो के तू खबरस्ताना में जो है लोग शमशार बसा रहे हैं, उसे क्यों नहीं हटाया जा रहा? वहाँ भी एक स्पेशल ऑफिसर को डाले अभी, तो ऑफिसर को डाल के वहाँ की पूरी रिपोर्ट लेके एक दिन ऐसा रहेगा, पुलिस बल्दिया वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स सब पूरे मिलके एक दिन पूरा साफ कर देंगे एरिया। क्योंकि खबर पे जो है ना ठहरने का हुक्म नहीं, अभी बोला ना भाई वहाँ पर दुकान डाल ले रहे, वो डाल ले रहे, वहाँ बिजनेस कर रहे, नहीं कर सकते वैसा, नहीं नहीं हराम है वो। मस्तान वाली साहब पे कई कंप्लेंट्स आ रहे हैं, कई मीडिया में जा, लेकिन फिर भी नहीं हटा। दूसरों को रखे ना वहाँ पर, पहले मस्तान वन मैन शो का काम 8 दिन में आप शुरू करते बोले थे, जुम्मे की नमाज के बाद शाही मस्जिद का काम। शाही मस्जिद का काम जो है बोर्ड में रेजोल्यूशन ले लिए, बोर्ड भी पास कर दिया, डायरेक्टरेट को गई फाइल वहाँ भी पास हो गई, माइनॉरिटी वेलफेयर में गई, वहाँ से जो है ना वो लोग फाइनेंस को भी जाए, एक 2-4 दिन में आ जाएंगी फाइल, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, वो परमिशन आए बाद ही करना, बल्कि हम लोग रुके हुए और कुछ भी नहीं है। वकोट का उसमें एक पैसे की कोई काम नहीं है, ऑलरेडी वकोट पास कर दिया है। अगर वकोट में पास नहीं होता तो पूछ सकते थे आप।